कौन से स्टॉक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया। 1/1/2014 को स्टॉक प्राइस थी, 1/1/2020 को स्टॉक प्राइस थी, 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पे था तब स्टॉक प्राइस थी, और करंट प्राइस है 1/1/2014 के दिन 1,00,000 रुपये दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, और करंट वैल्यू है 1,00,000 रुपये की अगर हमने 8% इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती। एफडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, दोनों स्टॉक्स ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, विनर है 1 मिनट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि दोनों स्टॉक्स ने जैसा रिटर्न पिछले 7 सालों में दिया है वैसा ही अगर अगले 7 सालों तक रिटर्न दे तो उनकी वैल्यू कहाँ पहुँचेगी। थैंक यू।